सो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कंस्ट्रक्शन है, एज अ फोर लेन एक्सप्रेस वे यहाँ पे बनने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी एंड हम इसे टैकल करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लंबा जैम की वजह से हम 2 घंटे से यहाँ पर फंसे हुए थे, क्योंकि आज एक बस ख़राब हो चुकी है एंड आगे से ट्रक आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। बड़ी मुश्किल से हमने फिर इसको क्रॉस किया और नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए स्टेडियम के लिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे व्यू हमने देखने को मिले, हमारी कार से व्यू वहाँ पर जाकर आपको और अच्छे व्यूज दिखाने को हम देंगे। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस, जहाँ पर हमने एक हेलीकॉप्टर देखा, नेक्स्ट क्लिप वही होगी। मामी जी मेरा हेलीकॉप्टर अंदर खड़ा है, उसमें चलते हैं। कोहली साहब दाढ़ी आपकी है, ये CSK का बंदा है। और देखते हैं आगे, काफ़ी धूप है बाय द वे, और आप लिए कुछ चीज़ें भी हमने स्पेशल रखी हैं, अंदर जाके दिखाते हैं। तो ये आ गई प्रैक्टिस नेट एंड और पापा चलो पांच के ऊपर लग रही ना बढ़िया आ चुके हैं। चलो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये रहा विजिटर स्टैंड का रास्ता एंड आगे जाके दिखाते हैं भैया, ये मेरे लिए स्पेशल गेट है, बाकियों के लिए ये रहा। चलो चलते हैं, गूज़बम्स आ रहे हैं। और ये पूरा आपको मैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पहले आपको ये पूरा स्टेडियम आप देख सकते हैं पूरा पता चल रहा है, प्रैक्टिस एरिया, स्कूल, प्लेग्राउंड, एंट्री वगैरह सब पता आ रहे हैं। मैं पीछे रह के चलता हूँ, तो ये है हमारे हिमाचल धर्मशाला का स्टेडियम। ये आपको ग्रिल से थोड़ा साइड करके दिखा दिया जाए, और वो दिख रहे हैं बर्फ़ के पहाड़, जो कि हमने अक्सर वीडियोस में देखा है कि कैसे दिखता है स्टेडियम। और ये रहा स्टेडियम जहाँ पर काफ़ी IPL मैचेस हो चुके हैं, पिच को कवर किया गया है, आपके सामने काफ़ी टूरिस्ट है। वहाँ से सारी एंट्री होती है, देखते हैं आगे जाके, काफ़ी टूरिस्ट आप देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और ये तो है ही ना, ओहो ये पूरा स्टेडियम है, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे अलाउंस दी हुई है टूरिस्ट को, और ये पूरी है। वो देखो ये कौन सी जगह दिख रही है, बिल्डिंग्स दिख रही हैं दूर से, और जैसा कि वायरल मूवीज़ में देखते हैं आप लोग, हाउ द माउंटेन्स लुक फ्रॉम द स्टेडियम, यहाँ पे आके पता चलेगा। और ये पूरा एंट्रेंस आप देख सकते हैं। हेलो आंटी जी, देखो जी देखो, ये रियलिटी में बहुत छोटा लग रहा है, एज मैचेस में बड़ा लगता है। सो ये जो ग्राउंड है आप देख सकते हैं, ये रही बाउंड्री पूरी, जब टच होती है तो 4 मिलता है, एंड आफ्टर गोइंग राइट हेयर विदाउट टचिंग द बाउंड्री इट्स अ 6। ये पूरी इन्होंने जगह, इनके इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं काफ़ी वायरिंग हो हुई है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सामने कमेंटेटर्स बैठे जाते हैं, क्योंकि ये जो आप जगह देख रहे हो ये कमेंटेटर्स की है, और कमेंटेटर्स की एक मुझे ये भी लग रही है। तो बताइए अगर किसी ने विजिट किया था तो किस साइड होते हैं, और सारे क्रिकेटर्स कौन सी साइड से एंट्री मारते हैं,
एंड यू कैन सी यहाँ पे लिखा है HPCA वेलकम्स यू। ये पूरी बड़ी बड़ी इनकी लाइट्स हैं और ये व्यू तो है ही दोस्तों। सो दिस इज द प्लेस, यहाँ पे बुफे सिस्टम यहीं पे होता है शायद। दिस AC आ रहा हूँ, ये पूरा है। आप तो टिकट्स की बात की जाए तो 30 rupees पर पर्सन हमें टिकट वहाँ पे मिली, और 5 years से कम बच्चों के टिकट वहाँ पे नहीं ली जा रही थी। तो जाकर हमने जो स्टेडियम के व्यूज़ लिए हमें काफ़ी मज़ा आया। आपको भी ज़रूर विज़िट करना चाहिए, लेकिन अगर आप अभी विज़िट कर रहे हैं तो आपको बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि 2-2 घंटे लंबा जाम लग जाता है, जिसकी वजह से आप एक ही जगह रुक जाते हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा आगे जाते हैं और वहीं पर रुके रह जाते हैं। और रोड काफ़ी छोटी छोटी हैं और बस ट्रक उसी रोड से आ रहे हैं, आपको एक साइड में रहना पड़ेगा। सो बी केयरफुल एंड आप इंजॉय करें अपने हॉलीडेज़। और ये रही कुछ मेमोरीज़।